जब भी हम किचन फर्नीचर का निर्माण करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे मन में एक ही कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे किचन के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा होगा और उसके साथ साथ हमारे किचन की सर्विस कैसी रहेगी, कौन सा मटेरियल हम कहां पर यूज़ करें, किस टाइप का मटेरियल हम अपने किचन में यूज़ करें, जो हमारा वॉश एरिया वहां पर किस टाइप का मटेरियल यूज़ करें, वॉश के साइड में जो एरिया होता है कैबिनेट वाला वहां पर कौन सा मटेरियल यूज़ करें, अपर हेड होता है वहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ करें। हमारे मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही ही है मॉड्यूलर किचन को लेकर। जब भी हम फर्नीचर बनाते हैं तो मटेरियल चॉइस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। मार्केट में आपको सभी प्रकार के मटेरियल मिल जाएंगे, लेकिन हमारी किचन के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा होगा ये चॉइस करना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में। तो चलिए, इन सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और देखते रहें फर्नीचर टेक। आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हाई मैसेज करके फर्नीचर से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप अभी ये वाली जो लिस्ट देख रहे हैं, ये एक बोर्ड की लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये सबसे फर्स्ट में है हमारा पार्टिकल बोर्ड, फिर है हमारा MDF, फिर HDHMR, फिर WPC और फिर हमारा है एक मेन प्लाईवुड। इन सभी बोर्ड का एक अपना एक अलग महत्व होता है। कोई किसी जगह के लिए अच्छा होता है, कोई किसी जगह के लिए अच्छा होता है, लेकिन किचन के लिए कौन सा अच्छा रहेगा आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप किचन के अंदर पार्टिकल बोर्ड का उपयोग करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भी किचन के अंदर पार्टिकल बोर्ड का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा लूज़ है। क्योंकि जब इसमें पानी का काम होगा, किचन के अंदर सबसे ज़्यादा पानी का काम होता है, और पानी लगने के कारण ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण इसमें डीमक भी लग जाती है। तो हमारा जितना भी पैसा हम किचन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो सारा का सारा हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप पार्टिकल बोर्ड का उपयोग करना चाहते हैं और आपका अगर बजट है तो आप अपने ऑफिस के फर्नीचर में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस के फर्नीचर में पानी का काम बहुत कम होता है। मतलब सिर्फ साफ़ सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कुछ हद तक कुछ केमिकल वगैरह या लिक्विड वगैरह से ही साफ़ किया जाता है। तो अगर आप पार्टिकल बोर्ड का उपयोग करना चाहते हैं अपने फर्नीचर में तो आप पार्टिकल बोर्ड का उपयोग कीजिए अपने ऑफिस के फर्नीचर में, या फिर आप अपने घर के फर्नीचर में भी कर सकते हैं। वहाँ पर कीजिए जहाँ पर पानी का काम बिल्कुल भी ना हो, जैसे कि बेडरूम सेट वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो आप पलंग वगैरह अलमारी वगैरह आप बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, कम प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ पर पानी का काम है वहाँ पर इस बोर्ड को बिल्कुल भी उपयोग मत कीजिए। तो ये तो रहा पार्टिकल बोर्ड के बारे में। अब बात करते हैं हमारे MDF के बारे में। MDF बोर्ड आपकी किचन के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन ये पार्टिकल बोर्ड के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पार्टिकल बोर्ड की जो डेंसिटी है और MDF की जो डेंसिटी है वो काफ़ी एडवांस है। पार्टिकल बोर्ड की जो डेंसिटी है वहाँ पर आपको काफ़ी हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप किचन बना रहे हैं और उसके अंदर आप MDF बोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रहे, जहाँ पर आपकी नमी वाला एरिया है, जैसे सिंक वाला जो एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमी होती है, या आपकी कोई ऐसी वॉल है जहाँ पर नमी रहती है हमेशा, तो वहाँ पर आप MDF का बोर्ड का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। वहाँ पर आप WPC या HDHMR बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारा किचन कम प्राइस में भी बना रहेगा और हमारे किचन की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम MDF बोर्ड को अपने बेडरूम सेट या हमारे ऑफिस फर्नीचर में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये पार्टिकल बोर्ड के मुकाबले काफ़ी महंगा है। अगर आपका बजट है तो आप अपने ऑफिस फर्नीचर और बेडरूम फर्नीचर में भी MDF बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा MDF बोर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने HDHMR बोर्ड के बारे में। हाँ, HDHMR बोर्ड आपके किचन के लिए काफ़ी अच्छा है और इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। मतलब स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पर काफ़ी पावरफुल देखने को मिलती है, और ये वाटर रेसिस्टेंस के साथ साथ टर्मिनाइट प्रूफ और फंगस और अपना डीमक, मतलब कंप्लीट फैक्ट्री मेड बोर्ड है जिसमें आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। कम प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी का बोर्ड आपको देखने को मिलता है। अगर आप अपना किचन फर्नीचर बना रहे हैं तो आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं, नमी वाले एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, पानी वाले एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी फर्नीचर में, यानी कि किस ऑल टाइप इंटीरियर डिज़ाइन में आप HDHMR बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है कि हम इसको किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी माइका प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा बस इसको ध्यान में रखना है। बाकी ऑलमोस्ट
किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली होता है MDF और पार्टिकल बोर्ड के मुकाबले। आप किचन में बिंदास यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा और ज़्यादा बजट है तो आप अपने बेडरूम सेट और अपने ऑफिस फर्नीचर के इंटीरियर डिज़ाइन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा HDHMR बोर्ड के बारे में। अब बात करते हैं हमारे WPC बोर्ड के बारे में। WPC बोर्ड एक प्लास्टिक और हमारा वुड का मिश्रण है, मतलब इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है, जिसके कारण अगर ये खाली सिर्फ WPC मतलब PVC बोर्ड का ही बना हुआ होता, सिर्फ प्लास्टिक का बना हुआ होता, तो ये काफ़ी अच्छा होता। लेकिन इसके अंदर हमको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, जो है हमारी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी। स्क्रू लूज होने की शिकायत हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। हाँ, वाटरप्रूफ हो जाता है, टर्मिनाइट प्रूफ हो जाता है, इन सभी से हमारे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जहाँ पर हमको डेंसिटी प्लस हमको स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए थी, वो हमको देखने को नहीं मिलती। इसलिए कंपनी ने इसके अंदर वुड और प्लास्टिक दोनों का मिश्रण करके इसको एक फैक्ट्री मेड बोर्ड तैयार किया है, ताकि इसकी सर्विस हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिले। हाँ, HDHMR के मुकाबले इसकी जो डेंसिटी वो काफ़ी लो है, लेकिन HDHMR से काफ़ी एडवांस है ये बोर्ड। आप इसको अपने किचन के अंदर बिंदास यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी लूज है, तो ध्यान में रहे कारपेंटर जब भी इस बोर्ड पे वर्क करें तो थोड़ा सा सावधानी से करें। ड्रिल मशीन से जब भी इसके अंदर स्क्रू वगैरह फिटिंग करें तो थोड़ा स्लो ड्रिल मशीन का यूज़ करें, और हर जॉइंट के ऊपर फेविकोल वगैरह जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं वो कंपलसरी इसके अंदर यूज़ करें, ताकि इसकी जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी और देखने को हमको मिले। डेंसिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। फिनिशिंग भी आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसके अंदर कील का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर कील फिटिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अपने जाने माने बोर्ड प्लाईवुड के बारे में। देखिए, प्लाईवुड एक लो बजट में भी आपको मिल जाएगा और एक हाई बजट में भी आपको मिल जाएगा। मतलब कमर्शियल अगर प्लाईवुड की बात करो, एक स्टार्टिंग प्राइस वो 35 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपये प्लस पर स्क्वायर फीट आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब सभी क्वालिटी और सभी प्राइस में ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप प्लाईवुड का फर्नीचर अपने घर के अंदर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक किसी कारपेंटर टीम को हायर करेंगे, क्योंकि प्लाईवुड पे 90% वर्क सिर्फ कारपेंटर ही करते हैं, जो घर साइड पर काम किया जाता है। अगर आप घर के अंदर ही रहकर अपना काम कराना चाहते हैं, फर्नीचर का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहते हैं, जैसे आपका किचन हुआ, आपका बेडरूम सेट हुआ, या आपका ऑफिस फर्नीचर हुआ, तो आप कंपलसरी प्लाईवुड का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कॉस्टली रहेगा। अगर आप कम बजट में एक अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो आप बिंदास प्लाईवुड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 35 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें माइका का खर्चा अलग और अपना फेविकोल वगैरह का खर्चा अलग रहता है, तो जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये समथिंग हमको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास पड़ जाता है ये बोर्ड, एक कम्प्लीट बोर्ड। हाँ, इसमें लेबर रेट थोड़ा कॉस्टली रहता है, क्योंकि प्लाईवुड पे जब लेबर रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है बाकी बोर्ड के मुकाबले। जैसे हमारा HDHMR हुआ, हमारा MDF पार्टिकल बोर्ड या WPC बोर्ड हुआ, मार्केट में आपको और भी बहुत सारे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, आज मैंने आपके साथ विस्तार से कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, ताकि आपको एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप कभी भी फर्नीचर बनाएंगे तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हम किस जगह पर कौन से बोर्ड का इस्तेमाल करें। किचन बना रहे हैं तो कौन कौन सा बोर्ड इस्तेमाल करें, कम बजट है तो किस तरीके से हमको बनाना है, अगर हाई बजट है तो किस तरीके से बनाना है, और कौन सा बोर्ड कहां पर यूज़ किया जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।